बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने 10th क्लास इस्लामिया क्लास में अब बाप नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास ईमानियात और इबादत। और बाप नंबर अव्वल जो था हमारे पास वो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसे कम्प्लीट कर चुके हैं। कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हमारे पास बाप अव्वल था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाप 2 जो है हमारे पास ईमानियात और इबादत। सबसे पहले उसका अलिफ पार्ट डिस्कस करेंगे ईमानियात, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला सब टॉपिक है मलाइका, और मलाइका का मतलब होता है फरिश्ते। तो आज हम लोग ये चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का, मलाइका, फरिश्ते, ईमानियात और इबादत बाप नंबर 2। इसी तरह से रीड आउट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मार्क करवाऊंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास काफी सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इंडेक्स जो है वो बन सकते हैं। आप लोगों ने साथ साथ उसको मार्क करते जाना है ताकि आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो। और लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, और आप लोगों को लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन सी हेडिंग देनी है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी हमारे पास मलाइका फरिश्ते। मलाइका जमा है मालकुन की, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो जो टेक्स्ट मैं हाईलाइट करूंगी आप लोगों को स्क्रीन पे हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो हमारा जो होगा हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा फॉर द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और आप लोगों ने हाईलाइटेड टेक्स्ट को अपनी बुक्स में भी हाईलाइट करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। मलाइका जमा है मालकुन की, जिसका मायने है फरिश्ता। ये आपके पास सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आएगा एक्सरसाइज का, और ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। मलाइका से मुराद है अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, और बशरी सफात जैसे खाना पीना सोना जागना और हर तरह की गलती और खता वगैरह से पाक है। फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। फरिश्तों की तखलीक का मकसद इबादत व इताअत इलाही है। तो इसमें हमारे पास क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मलाइका का मायने क्या है फरिश्ता, और ये जमा है हमारे पास मलकुन की, अल्लाह ताला की ये नूरी मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती है, और फरिश्ते जो है अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होते हैं, और ये हर खता से हर गलती से पाक है, और मुख्तलिफ शक्लें जो है ये इख्तियार कर सकते हैं, और इनकी तखलीक का मकसद क्या है अल्लाह ताला की इबादत और इताअत इलाही। अरशाद बारी ताला सूरत अंबिया की आयत नंबर 20 ये वो दिन और रात तस्बीह बयान करते हैं, वो सुस्ती नहीं करते। फरिश्तों की तखलीक नूर से की गई, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फरिश्तों की तखलीक कैसे हुई। फरिश्तों की तखलीक नूर से की गई, जिस तरह जन्नात की तखलीक आग से और इंसान की तखलीक मिट्टी से की गई। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क करेंगे कि जन्नात की तखलीक जो है वो आग से की गई है और इंसान की तखलीक जो है वो मिट्टी से हुई है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया। फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। तो इस पे अंडरलाइन कर लीजिए कि फरिश्तों पर ईमान लाना किस में से है, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तखलीक आदम के फैसले से फरिश्तों को आगाह करने का जिक्र फरमाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कायनात के मुख्तलिफ उमूर अंजाम देते हैं, जैसे मुख्तलिफ गज़वात में फरिश्तों का नज़ूल इसलिए हुआ कि मोमिन शिकस्ता दिल ना हो। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फरिश्तों का नज़ूल गज़वात कहाँ पे हुआ, तो आप लोग आंसर में बताएंगे कि मुख्तलिफ गज़वात में फरिश्तों का नज़ूल हुआ ताकि मोमिन दिल शिकस्ता ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे कियामत में मादियत परस्ती के खदशात का इजहार फरमाया था। फरिश्तों की नूरानी तखलीक मादियत पसंद तबके के लिए दावत फिक्र है कि तुम गैब आखिरत पर ईमान का इनकार कर रहे हो, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हर रोज के अमूर में फरिश्ते गैबी तौर पर अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा यकीन रखें कि क्यामत भी एक दिन आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसका फरिश्तों की जिम्मेदारियां, कि किन तरह के फरिश्ते हैं। बहुत सारे फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते की अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। यहाँ पर चंद मशहूर फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। मशहूर फरिश्तों में करामन कातबीन जो इंसान के वक्त साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और इंसान का नामाए माल लिखते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट शोल्डर्स पे करामन कातबीन मौजूद होते हैं, और वो हम हर अच्छा और बुरा काम जो लिखते हैं वो फौरी तौर पर उसको हमारे नामाए माल में लिख लेते हैं। तो जो हम इंसान का नामाए माल लिखते हैं उन फरिश्तों को क्या कहा जाता है, करामन कातबीन, और अल्लाह ताला के हजूर पेश करते हैं। जो फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे, नेक्स्ट इसको भी अंडरलाइन करें कि कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर वही लाने की जिम्मेदारी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
ये भी आप अंडरलाइन करेंगे कि अब इकराम अलैहिस्सलाम पर वही लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। मखलूक के लिए रिज्क की जिम्मेदारी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो रिज्क की जिम्मेदारी किसकी अल्लाह ताला ने लगाई थी? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मलकुल मौत। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि मलकुल मौत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और क्यामत के दिन सूर फूंकने की जिम्मेदारी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की है। तो क्यामत के दिन सूर कौन फूंकेंगे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और ये सब अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ शक्लों में हाजिर होते थे। बाज़ औक़ात एक सहाबी हजरत हुआ। यह आपसे पूछा जा सकता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल अख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए? तो आप माफ करेंगे, हजरत दुहिया कलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हाजिर होते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इंसानी शक्ल में हाजिर होने का एक वाक्य हदीस में मजकूर है और उस हदीस को हदीस जबरील कहते हैं। और वो हदीस नीचे आप लोगों को इस कम्प्लीट पैराग्राफ में बयान भी की गई है, उसको भी रीड आउट करते हैं। हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक साहब हमारे सामने नमूदार हुए, जिनके कपड़े बहुत सफेद और बाल खूब सियाह थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो साहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुए, उनका हुलिया क्या था? तो आप बताएंगे, जिनके कपड़े बहुत सफेद और बाल खूब सियाह थे, उन पर सफर के कोई आसार ना थे, यानी कि कोई थकावट कुछ भी फील नहीं हो रहा था उनके उनके ऊपर कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं था, और हम में से कोई उन्हें पहचानता भी ना था। कैसे पहचान सकता था? क्योंकि वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो एक ऐसे इंसान का रूप लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए थे। यहाँ तक कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और अपने घुटने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और हाथ अपने जानू पर रखे और चार सवाल किए। अब चार सवाल कौन से थे? कि ईमान, इस्लाम, एहसान और अलामाते कयामत क्या है। तो आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि उस साहब ने कौन से सवाल किए? तो आप बताएंगे, ईमान, इस्लाम, एहसान और अलामाते कयामत के बारे में उसने सवाल किया। और एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सवाल किए? तो आपके पास आंसर आएगा, चार सवाल किए। आगे चलते हैं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान से मुराद अल्लाह ताला, फरिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों, क़यामत के दिन और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना है, और इस्लाम कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज अदा करना है। एहसान से मुराद अल्लाह ताला की उस तरह इबादत करना है कि गोया बंदा अल्लाह ताला को देख रहा है, या कम अज कम ये समझे कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की अलामत के बारे में फरमाया, जब वो शख्स चला गया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। तो कितनी प्यारी और खूबसूरत हदीस है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उनसे चार सवाल किए। अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है। आपसे पूछा जाता है ईमान से क्या मुराद है, तो आप लोगों ने यहाँ से लेके तकदीर पर ईमान लाना और यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम से क्या मुराद है, तो आप लोगों ने कम्प्लीट लाइन लिखनी है। और एहसान के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने सारा बता देना है। नेक्स्ट है जी, लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास। हदीस जबरील से तलीम और तअल्लुम के दर्द ज़ेल आदाब वाज़िया होते हैं। उस्ताद की खिदमत में साफ सुथरा लिबास पहनकर हाजिर होना, उस्ताद के सामने अदब से बैठना, उस्ताद की वजाहत के बाद अगला सवाल ना करना, तलीम और तअल्लुम में दुनिया के साथ आखिरत को भी पेश नजर रखना, वाज़िया और जामिया जवाब देना, गैर जरूरी सवालात और उस्ताद का वक्त ज़ाया करने से इज्तनाब करना, कमरा जमात में उस्ताद के करीब बैठने की कोशिश करना, वाज़िया और मुख्तसर सवाल करना, ऐसा सवाल करना जिससे तमाम तलबा को फायदा हो, सवाल करने पर उस्ताद का तालिब इल्म की हौसला अफजाई करना। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर, और लास्ट में उसका हमारे पास है हासिल कलाम। हमें चाहिए कि फरिश्तों के बारे में अपने दिल में इज्मत का एहसास रखें और इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला मूरे कायनात में फरिश्तों का मोहताज नहीं। फरिश्तों को उनकी जिम्मेदारियों पर ममूर करना खुद फरिश्तों के लिए एजाज और इताते का दावंदी का हसूल का जरिया है। तो ये हो गया जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीट, और इसकी रीडिंग भी देख ली, इसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें भी मार्क कर ली, क्या चीज हमारे पास शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, और सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास, फरिश्तों की तख्लीक का अवलीन मकसद है अल्लाह ताला की इबादत, करामन कातबीन की जिम्मेदारी है इंसानी अमाल लिखना। नंबर 3, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक किया है नूर से, मुनकर और नकीर इंसान के पास आते हैं कब्र में, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है सूर फूंकना।
नेक्स्ट है जी हमारे पास मुख्तसर जवाबात। एक दफा सवाल रीड आउट कर लेते हैं और फिर एक साथ हम सारे आंसर्स मार्क कर लेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, मलाइका का तारुफ बयान करें। नंबर 2, फरिश्तों की तख्लीक कब हुई। नंबर 3 है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किन की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। नंबर 4, फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियां लिखें। और नंबर 5, फरिश्तों की 2 खसूसियात लिखें। अब ऊपर चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ और साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, मलाइका से का तारुफ बयान करें। और ये आप लोगों के पास आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ जो है ब्रैकेट में भी शो किया जा रहा है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने यहाँ स्टार्ट करना मलाइका जमा है मालाकुन की, और एंड करेंगे जी आप फरिश्तों की तख्लीक का मकसद इबादत और इताअत इलाही है। सेकेंड क्वेश्चन था जी हमारे पास, फरिश्तों की तख्लीक कब हुई। उसका आंसर आपके पास बिल्कुल सेकेंड पैराग्राफ में है। फरिश्तों की तख्लीक नूर से की गई है, जिस तरह जन्नात की तख्लीक आग से। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और एंड होगा आप लोगों के पास तख्लीक आदम के फैसले से फरिश्तों को आगाह करने का जिक्र फरमाया। थर्ड क्वेश्चन था जी हमारे पास, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किन की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। इस ये जो आंसर है ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है। आप लोगों ने सबसे पहले ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ शक्लों में हाजिर होते थे, और आप यहाँ तक लिखेंगे इस हदीस को हदीस जिब्रील कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे हज़रत उमर बिन खत्ताब। इसको आप लोगों ने शॉर्ट करके लिखना है, पूरा फुल लेंथी काम आप लोगों ने नहीं लिखना। फुल लेंथी पैराग्राफ हम लोग नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लॉन्ग में एंटर करेंगे इसको। आप लिखेंगे हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक साहब हमारे सामने नमूदार हुए जिनके कपड़े बहुत सफेद और बाल खूब से आते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे और 4 सवाल किए कि ईमान, इस्लाम, एहसान और अलामत कियामत क्या है। जब वो चले गए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। तो 4 से 5 लाइंस में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस वाक्य को कंक्लूड कर देना है। शॉर्ट में पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन था जी हमारे पास, फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियां लिखें। आपके पास फरिश्तों की जिम्मेदारियों की हेडिंग दी गई है। उसका सबसे पहला फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों ने करामन कातवीन, मुनकर नकीर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का जो काम है उनकी जिम्मेदारियों को आपने एक्सप्लेन करना है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फरिश्तों की 2 खसूसियात लिखें। क्योंकि फरिश्तों की बहुत सारी खसूसियात हैं, हम लोगों ने सिर्फ 2 लिखनी है। आप लोग लिख सकते हो कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कायनात के मुख्तलिफ अमूर अंजाम देते हैं, जैसे मुख्तलिफ अज़वात में फरिश्तों का नज़ूल इसलिए हुआ कि मोमिन शिकस्ता दिल ना हो। और आप फिर लिखेंगे यहाँ से, ये लाइन आप स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपकी जो लाइन है, फरिश्तों की नूरानी तकलीफ मादियत पसंद तबके के लिए दावत फिक्र है कि तुम गैब पर ईमान का इनकार कर रहे हो। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हर रोज के अमूर में फरिश्ते गैबी तौर पर अमूर सर अंजाम दे रही हैं। तो ये हो गए जी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। आप लोगों के पास टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने मार्कआउट कर लिए। लास्ट रह गया जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाब दें। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तनासुर में तलीम और तालुम के आदाब तहरीर करें। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तलीम और तालुम, जो कि उन्होंने 9 क्वेश्चन में दिया है। और हालांकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं क्रिएट किया जा सकता, तो आप लोगों के पास जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आप लोगों का स्टार्ट होता है हदीस जिब्राइल। यहाँ से स्टार्ट होगा हदीस जिब्राइल से तलीम और तालुम के दर्ज अदाब वाजे होते हैं। लेकिन हम लोग बहुत शॉर्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर से मटेरियल ले लेंगे ताकि आप लोगों का क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर सिर्फ उतना ही मार्क्स के लिए आप लोगों को दे देते हैं, सिर्फ उतना ही आप लोगों को कहते हैं कि आप मार्क कर लीजिए। सिर्फ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिर्फ इतना सा मार्क किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो मार्क्स आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो इतने से आंसर के लिए काफी नहीं होते। आप लोगों ने अगर मार्क्स फुल लेने हैं तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने ऊपर से क्या क्या चीजें एंटर करनी है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन इनहेंस हो सके, और इसकी भी हेडिंग्स जो है वो आपको क्रिएट कर दूंगी ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कुछ लेंथी लगे। एग्जामिनर जब पेपर चेक करे तो उसको सिर्फ ये 8 से 9 जो बुलेट पॉइंट्स है सिर्फ वो ही नजर ना आए, बल्कि उसको कुछ हदीस जिब्राइल के बारे में, फरिश्तों के बारे में थोड़ी सी उसको डिटेल नजर आए ताकि उसे पता हो कि बच्चे को हर चीज का जो है वो इल्म था।
आप लोगों को अभी ये जो ऊपर से सबसे पहले बताने जा रही हूँ, ये कंपल्शन नहीं है, ये आप लोग जो स्टूडेंट्स याद कर लेंगे वो लिख दें वेल एंड गुड, और अगर किसी को याद नहीं होता तो फिर वो स्किप आउट कर सकता है। ये आप लोगों का पार्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन से ही निकाला है ताकि आप लोगों को कोई अजाफी मटीरियल जो बिला जरूरत तैयार ना करना पड़े। आप लोग हेडिंग दोगे तारुफ की, जो मैं आपको डे वन से कहती हूँ कि तारुफ की हेडिंग से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तारुफ की हेडिंग दोगे, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने से कि मलाइका जमा है माला कुन की। ये आप लोग कंप्लीट पैराग्राफ लिख सकते हो और सूरह अंबिया की आयत नंबर 20 का तर्जुमा लिख दोगे, वो दिन और रात तस्बीह बयान करते हैं, वो सुस्ती नहीं करते। सिर्फ इतना सा पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है। और जो स्टूडेंट्स को सेकंड को शॉर्ट क्वेश्चन तैयार है तो वो आयत लिखने के बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा तारुफ। आगे आ जाते हैं जी, आगे आप लिखेंगे हदीस जबरील। बाकी आपने सारा मटेरियल नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, आपने फिर हेडिंग देनी है हदीस जबरील। जो आप लोगों को स्क्रीन पे पिंक कलर का हाइलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है वो आप लोगों के पास हदीस जबरील वगैरह जैसे इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है, ये आप लोगों की हेडिंग्स हैं जो आप लोगों ने क्रिएट करनी है। तारुफ की हेडिंग का मैंने आपको बता दिया आप लोग किस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड हेडिंग आएगी जी हदीस जबरील की, और उसमें आप लोग लिखोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम मुख्तलिफ शक्लों में हाजिर होते। ये कम्प्लीट जो आप लोगों का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाया था ये आप लोग इसमें लिखोगे। उसके बाद आप लोगों ने कम्प्लीट ये वाक्या एक्सप्लेन करना है जिसमें उन्होंने चार सवाल पूछे और वो किस हुलिये में आए थे। जिब्राइल के कपड़े बहुत सफेद थे, उनके बाल खूबसियात थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी के पास से वो चले गए तो आपने क्या फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहि सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। ये आप लोगों ने लिख लिया, ये आप लोगों के पास हदीस जिब्राइल आ जाएगी। उसके बाद जब वाकया एक्सप्लेन करना होगा तो आपने इस पे हेडिंग दे सकते हो कि वाकया हजरत जिब्राइल की एक शक्ल में आने का वाकया आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, और हदीस जिब्राइल की हेडिंग में भी आप ये लिख सकते हो वाकया। थर्ड हेडिंग दोगे आप लोग तलीमो तालुम के अदाब, आप लिखेंगे हदीसे जबरील से तलीमो तालुम के अदाब। ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है हदीसे जबरील से तलीमो तालुम के अदाब। ये आप लोगों की मेन हेडिंग बन जाएगी जो अंडरलाइन भी मैंने कर दिया, हदीसे जबरील से तलीमो तालुम के अदाब। ये आपके पास हेडिंग आएगी और उसमें आपने ये फिर सारे अदाब जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। अब इन अदाब में से हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और आपने ये कम्प्लीट सेंटेंस भी लिखना होगा, पहले हेडिंग लिखे उसके बाद सेंटेंस लिखे ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल। आप फर्स्ट हेडिंग दे सकते हैं साफ सुथरा लिबास। सबसे पहले आप हेडिंग दे साफ सुथरा लिबास, उसमें लिखें उस्ताद की खिदमत में साफ सुथरा लिबास पहनकर हाजिर होना। नंबर टू आप हेडिंग दे अदब से बैठना, उसमें आप मार्क बताएंगे कि उस्ताद के सामने अदब से बैठना चाहिए। फिर थर्ड हेडिंग दे दें आप जी वजाहत की, उसमें आप बताएं उस्ताद की वजाहत के बाद अगला सवाल करना। फिर आप हेडिंग दे दुनिया के साथ आखिरत, उसमें आप हेडिंग देंगे तलीमो तल्लुम में दुनिया के साथ आखिरत को भी पेश नजर रखना, यानी कि सिर्फ दुनियावी बातों पर फोकस नहीं रहना चाहिए, दुनियावी तालीम के साथ साथ आखिरत की तैयारी करना भी हम तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, और ये अदाब हमारे पास हदीस जिब्रील से निकाले गए हैं। फिर आप हेडिंग देंगे जवाब देना, उसमें आप लिखेंगे वाजिया और जामिया जवाब देना चाहिए। फिर आप हेडिंग देंगे वक्त जाया करने से इज्तनाब, तो फिर इसमें आप लिखेंगे गैर जरूरी सवाल और उस्ताद का वक्त जाया करने से इज्तनाब किया जाए, उस्ताद से बिला जरूरत और बिला टॉपिक के अलावा आप लोग सवाल मत कोशिश कीजिए कि मत कीजिए, जो रिलेटेड क्वेश्चन है हमेशा वही पूछने चाहिए। उसके बाद आप हेडिंग देंगे उस्ताद के करीब बैठना, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे उस्ताद के करीब बैठना, कमरा जमात में उस्ताद के करीब बैठने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो होता है ना उनको क्रेज होता है कि हम लोग ना टीचर डेस्क से बिल्कुल साथ वाली सामने वाली जो रो होती है उस पे बैठें, तो ये भी एक अदब होता है उन स्टूडेंट्स का टीचर्स के लिए, और ये एक अच्छी चीज भी होती है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट मेंशन करना है कि कमरा जमात में उस्ताद के करीब बैठने की कोशिश करना। फिर आप हेडिंग देंगे मुख्तसर सवाल, और उसमें आप लिखेंगे वाजे और मुख्तसर सवाल करना, तलबा को फायदा पहुंचाना। यहाँ पे हेडिंग आप लिखेंगे तलबा को फायदा पहुंचाना। जो जो हेडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ आप साथ साथ मेंशन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को जब तैयारी के लिए ये बुक ओपन की जाए तो आप लोगों के पास सारा मटेरियल आपके पास बुक में अवेलेबल हो। फिर लास्ट आप हेडिंग देंगे हौसला अफजाई, और इसमें आप लिखेंगे सवाल करने पर उस्ताद का तालिम इलम की हौसला अफजाई करना। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सिर्फ ये एक पेज पे जो आप लोगों ने 8 से 9 पॉइंट्स लिखने थे वो आपको नहीं लिखने पड़ेंगे, 10 पॉइंट्स जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए तो एक पेज पे सिर्फ आ जाएंगे। तो अगर आप लोग 2 से 4 चीजें एडिशनल मेंशन करते हैं तो कम से कम आपका 2 पेजेस पे जाएगा, और जब आप इन 10 पॉइंट्स की हेडिंग दोगे उसके बाद लिखोगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा, और आप लोगों का एक तो क्वेश्चन में लेंथी हो जाएगा, लेंथ भी आएगी क्वेश्चन में, और आप लोगों के यानी सिर्फ 10 पॉइंट्स ही होंगे लेकिन लगेगा
कि एक अच्छा खासा मटेरियल आप लोगों ने क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दी थी तारुफ की, बहुत शॉर्टली आपने तारुफ एक्सप्लेन करना है। तारुफ के बाद आप हेडिंग देंगे हदीस जिब्रील के, अगर वाकई की आप अलग हेडिंग दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो आप हदीस जिब्रील के अंदर ये लिख सकते हो। उसके बाद आपने हेडिंग देनी हदीस जिब्रील से तलीम और तालुम के आदाब, और उसके बाद आप लोगों ने ये जो 10 आदाब बताए हुए आप लोगों ने सारे आदाब लिखने हैं। मैंने आपको आदाब की भी हेडिंग बता दी है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो सके और आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। लास्ट पे एडिंग आ जाती है हमारे पास हासिले कलाम की, और हासिले कलाम आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि लिख के दिया हुआ है आपने कंप्लीट। ये लास्ट टू लाइन जो मशक से ऊपर दो पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है, आप लोगों ने ये अपने हासिले कलाम में मेंशन कर देनी है। आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और 98-99% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिंपली रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।